सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं। मोहनलाल एक किसान था। वो दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मोहनलाल के परिवार में उसकी पत्नी मीना और उसकी एक प्यारी बेटी कुसुम रहती थी। मोहनलाल दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जो भी कमाता उससे वो सिर्फ अपने परिवार वालों का पेट ही भर पाता था। मोहनलाल की पत्नी मीना को मेकअप करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए वो रोजाना अपनी बेटी को तैयार करते रहती थी। वो कभी उसका अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल बनाती तो कभी उसे बहुत अच्छे से तैयार करके बहुत सुंदर बना देती। तैयार होकर कुसुम जब खुद को आईने में देखती तो बहुत ही खुश हो जाती। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एकदम राजकुमारी बना दिया है। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना है। एक दिन मोहनलाल जब अपनी बेटी को देखता है तो कहता है, अरे कुसुम बेटी, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, लग रही हूँ ना एकदम राजकुमारी, मुझे मेरी प्यारी माँ ने तैयार किया है। कुसुम की बात सुनकर मोहनलाल अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, तुमने इतने अच्छे से मेकअप करना कैसे सीखा है? वो क्या है ना जी, मुझे बचपन से ही दूसरों का मेकअप करना और हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैंने ये सब यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा है। अच्छा है, चलो बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। एक दिन की बात है, मोहनलाल जब खेतों में काम कर रहा था तभी एक जहरीला सांप ने आकर मोहनलाल को काट लिया और मोहनलाल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मोहनलाल के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से मीना और कुसुम को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया। ये देखकर कुसुम अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पिताजी की जगह खेतों में काम करने मैं जाऊंगी। मैंने पिताजी के साथ रहकर खेती करना सीखा था। वो जमींदारनी चाची मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए बुला भी रही थी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ और आज से ही काम पर जाना शुरू कर देती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने भी सेठानी मोहिनी से बात कर ली, कल से मैं भी उसके घर झाड़ू पोछा का काम करने जाया करूँगी। दोनों मिलकर कमाएंगे तभी गुजारा हो पाएगा। और फिर उस दिन के बाद से कुसुम खेतों में काम करने लगी और मीना दूसरों के घरों में। एक दिन कुसुम खेतों में काम कर रही थी तभी उसे जोरों की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गई। कुसुम कुएं से पानी भर रही थी कि तभी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं के अंदर पानी में गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये बाल्टी तो पानी में गिर गई। अगर जमींदारनी को इस बारे में पता चला फिर वो मुझे काम से ही निकाल देगी और मुझे मेरा पगार भी नहीं देगी। मुझे ये बाल्टी कैसे भी करके कुएं से बाहर निकालनी ही होगी। ये सोचकर कुसुम बाल्टी निकालने के लिए कुएं में कूद जाती है। वो कुएं के गहराई में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है। वो दुनिया बहुत ही विचित्र था। ये देखकर कुसुम और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो कुएं में सिर्फ बाल्टी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। मैं यहाँ से वापस कैसे निकलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। कुसुम को रोता हुआ देखकर कुएं में से आवाज आती है, बेटी घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बेटी, मैं कुआं बोल रही हूँ। कुआं जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कुसुम बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। छोटी सी उम्र में तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगी। कुएं के इतना कहते ही कुसुम के सामने बहुत सारे सोने और चांदी की लिपस्टिक प्रकट हो गए। और फिर कुएं ने कुसुम से कहा, बेटी ये सारे लिपस्टिक सोने और चांदी के जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक जो भी लड़कियां लगाएगी वो अत्यंत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे पता है
कि तुम्हारी माँ को मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम ये लिपस्टिक ले जाओ और अपनी माँ से बोलकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलो और फिर जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक की मदद से खूब पैसा कमाओ। और हाँ, जब इस जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक की मदद से तुम्हारी गरीबी पूरी दूर हो जाए, फिर तुम अपने जैसे और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। ये सुनकर कुसुम और जादुई कुएं का धन्यवाद करती है और फिर जादुई कुएं की शक्ति की मदद से कुसुम आंखें बंद करते ही अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद कुसुम और जादुई कुएं से मिली सोने चांदी की लिपस्टिक के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनने के बाद मीना अपना पुराना पायल बेचकर एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। जिस जगह मीना ने अपना पार्लर खोला था उसी के बगल में एक गुंजन नाम की लड़की का भी पार्लर था। गुंजन कई सालों से वहाँ पर अपना पार्लर चला रहे थे। एक दिन गांव की ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर मीना के पार्लर पर आ रहे थे। उनकी बेटी का रंग बहुत ही काला था। उन्हें देखकर गुंजन कहती है, अरे ठकुराइन जी, लगता है आज आप मेरी दुकान का रास्ता भूल गई हैं। मेरी दुकान तो इधर है, उधर नहीं। आप उसकी दुकान पर क्यों जा रही हैं? वो लोग क्या मेकअप करेंगे? उन्हें तो बस झाड़ू पोछा करने आता है, मेकअप नहीं। नहीं नहीं गुंजन, मैंने अपनी बेटी का कई बार तुमसे मेकअप करवाया है। इसको अब तक जितने बार भी लड़के वाले देखने आए हैं उतनी बार तुमने इसका मेकअप किया है और हर बार लड़का मेरी बेटी को नापसंद करके चला गया है। इस बार एक और नया रिश्ता आया है। मैं नहीं चाहती इस बार भी लड़का मेरी बेटी को शादी के लिए मना करके चला जाए। इसलिए इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं मीना बहन से ही अपनी बेटी का मेकअप करवाऊं। मैंने उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी है। सुना है वो बस सूरत लड़की को भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देती है। इतना कहकर ठकुराइन अपनी बेटी को मीना के दुकान पर ले जाती है। मीना ठकुराइन की बेटी का बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर उसे जादुई लिपस्टिक लगाती है। ऐसा करते ही ठकुराइन की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपनी बेटी को देखकर ठकुराइन कहती है, हे भगवान, क्या ये सच में मेरी बेटी ही है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। अरे वाह मीना बहन, मेरी बेटी को तो तुमने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। अब तो ये रिश्ता मेरी बेटी का पक्का होकर ही रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीना बहन, ये लो पैसे। इतना कहकर ठकुराइन ने मीना को बहुत सारे पैसे दिए। इसी तरह धीरे धीरे मीना के पार्लर के बारे में पूरे गांव में चर्चा हो गई। यहां तक कि आसपास के गांव में भी गांव की सभी औरतें अब मीना से ही मेकअप करवाने लगी। ये सब देखकर गुंजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ ही दिनों में मीना ने बहुत सारा पैसा कमा लिया और उन पैसों से उसने मकान, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया। इतनी जल्दी इतनी सारी तरक्की को देखकर गुंजन मीना से और भी ज्यादा जलने लगी। एक दिन गुंजन अपने मन में सोचती है, पता नहीं इस मीना के बच्चे के पास ऐसा क्या है जब मेरे पास नहीं है। वो जिस भी कस्टमर का मेकअप करती है वो इतनी सुंदर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। उसके बाद गुंजन मीना और उसकी बेटी कुसुम पर नजर रखने लगती है। एक दिन मीना और कुसुम उस जादुई लिपस्टिक के बारे में बात कर रही थी तो गुंजन ने चुपके से उनकी बातें सुन ली। उसी रात गुंजन ने उसकी दुकान में घुसकर उसके सोने और चांदी की दोनों लिपस्टिक चुरा ली। अगले दिन जब मीना को अपनी दुकान पर एक भी लिपस्टिक दिखाई नहीं दिया तो वो बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरी और गुंजन की दुकान में चली गई। वो लड़की गुंजन के पार्लर में आकर उससे बोली, हेलो मैडम, आज मुझे ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना है तो इसलिए तुम मेरा बहुत अच्छे से मेकअप कर दो। ऐसा मेकअप करना कि ये कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूं। पैसों की फिक्र मत करो तुम। तुम उससे जितना चाहो उतने पैसे ले लेना, बस मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी मैडम, आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। इतना कहकर गुंजन उस लड़की का मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद गुंजन ने जैसे ही उस लड़की को वो जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक लगाती है वो लड़की बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो लड़की गुंजन की खूब पिटाई करने लगती है।
गुंजन अपनी जान बचाने के लिए जोर से चीखने लगती है। चीखने की आवाज सुनकर मीना और कुसुम भागते हुए वहाँ आई और उसने किसी तरह गुंजन की जान बचाई। मुझे बचा लो मीना, वरना ये मैडम तो मुझे मार डालेगी, प्लीज मीना। उसके बाद गुंजन मीना को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने लालच में आकर उसका जादुई सोने चांदी का लिपस्टिक चुरा लिया, जिसकी वजह से उस लेडीज का चेहरा खराब हो गया। सब कुछ सुनने के बाद मीना उस जादुई लिपस्टिक से कहकर उस मैडम को फिर से पहले जैसा कर देती है, जिसके बाद गुंजन के जान में जान आती है और फिर गुंजन माफी मांगते हुए मीना को दोनों सोने और चांदी का जादुई लिपस्टिक लौटा देती है। और उस दिन के बाद से गुंजन कभी भी मीना और कुसुम से नहीं जलती। धीरे धीरे मीना और कुसुम ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया और उन पैसों से कुएं से किए वादे के अनुसार गरीब और बेसहारा लोगों की खूब मदद करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।